फल चारी। श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। हरिओम, हरिओम। देखा जाए बहुत अपन चित्त के स्थिर करके लोग समझ लें। अब स्थिति बा भैया राम खिलौन भाई कि प्रभु बायन अनंत, तो जे अनंत अवस्था में भैया जेकर बुद्धि जाई वह तो इन्हें समझ पाई। और दूसरी तरफ बा कि सुर नर मुनि को नाही, ऐसन देवता ऋषि मुनि और मनई कोई बाय नहीं। अजे ही न मोह माया प्रबल, जेकरे मोह माया से जेकर बुद्धि बधा न हो, ये समय तो प्रचंड रूप ले ले बिना लालच के। सुर नर मुनि सब कर यह रीति, अस्वार्थ लागी करें सब प्रीति। तो प्रभु का प्रेरणा चला बा हिमालय से। अभी शरीर जहां भी जात हो वो लोगन के अंदर एक भ्रम आ जात हो बहुत तगड़ा कि इनकर कोनो निजी कामना हुई तब ही ऐसन करो ताए। और जब वहां से शरीर निकल जाला तो समझ में ना यार हमने गलत सोचत रहे, उनकर कोनो निजी दोष था नहीं। तो देखो इतना दिन से आप लोगों का अनुभव है, यदि आप लोग ऐसे पक्का निकल जा चाहे कि एक इंची जमीन ही रखे वाला नहीं बाय, ये एकदम पक्का। यही से एकदम एकांत में जहां देखो कि दूर दूर तक वो लगभग एक किलोमीटर का एरिया हो जाए बस्ती के जहां रहा शरीर, वहां तक कोई जो है कि लोटा का पानी लेके भी न पहुंच सके, इसने जगह रहा नहीं। बाकी हाँ मेरा वहाँ के जाता यही से ही शरीर अपन उसे ही पड़ा रहा। तो जौने चीज के शिकार लोग भैन, वो चीज के शिकार आप लोग मत हो। और रही बात कि प्रभु के प्रेरणा से ही बाड़ी ये शरीर के माध्यम से बस निकल रहा बा, और इतना पक्का करके कि जौन चरित्र अंदर नहीं रहे ओकर जो है उपदेश का अधिकार नहीं बा। ई बाड़ी करीब 5000 साल में एक भी शरीर से निकलवा नहीं किया कभी, कहे कि अब वेद मार्ग एकदम लुप्त होगा बा। निष्काम सेवा के बारे में कोई कहीं पागल है जैसे वो बुद्धा उद्धा यही सब कहा कि अगर लालच नहीं होगा तो काम ठीक से नहीं करोगे, इसलिए लालच होना जरूरी है। वो महामाया का लड़का रहा, वो के सब लोग भगवान बना के लगन पूजे, अवतार लगन कहे कि अवतार, कोई थोड़ा सा अगर कुछ कर ले। जबकि नीति यहां तक बा कि आप अनंत के अवस्था में बाए, जब तक श्रद्धा भाव से कोई आपसे निवेदन न करे भगवान के जाने के बारे में, तब तक अपने से जाके प्रवचन करना है, किसी से कुछ कहना है, ज्ञान देना है, ये सब कामना बा। ये सब हमारा कामना थी यह ना,
तो ये समझते हुए सबसे पहले चित्त को इतना स्थिर कर ले कि सुर नर मुनि ये तीनों के बहरे के बाद बा एकरे अंदर के देवता लोगन के भी पूजा चाहला ने, और यहाँ पूजा प्रतिष्ठा का कहे कि अभी एकदम बात पक्का पक्का समझ में आता कि पंचभूत कभी परमात्मा नहीं हो सकत, कभी नहीं। हाँ, आदमी तो आदमी अधिक से अधिक आप अनंत के अवस्था में जा सकल है, कब? जब निजी इच्छा से मुक्त हो जाइए, और जब निजी इच्छा नहीं बात तो नया पंथ चलावे के बात इच्छा नहीं बिल्कुल बा महाराज जी। देखो काहे कि यहाँ जौन भी बाड़ी होता करीब 4.5 महीना के ऊपर होगा, नहीं ओहो। और कहा पूरा ढूंढ नहीं है ना, कलयुग जब से चला बा ऐसे रामायण कहीं भा नहीं बा। नहीं तो ये बस भैया ना कि कम से कम जितना लोग सन्मुख आवत है सबका कल्याण हो, बुद्धि जो है कि अनंत में मिले, जीव का कल्याण बदे बा, बाकी कह कि अब मैं निजी कुछ जो मिल गया। अब देखिए शराब और भैंसा खाने वाला था कुंभकर्ण। भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था उसे भी श्री राम जी अपना परम धाम दे। तो वो इतना तगड़ा रहा कि प्रभु के आवे के पड़ा, पाप मिला ने। और आज लोग इतना तगड़ा नहीं बन कि प्रभु उनके सामने आ जाए। इसलिए निश्चित जान ले कि गिरिजा ते नर मंद मति अजे न भजहि श्री राम। समझे न? शिव जी कहते हैं कि पार्वती वह वास्तव में मंद मति है जो प्रभु श्री राम जी का निष्काम भजन नहीं करता। तो निष्काम भजन तब हो जब शरण में आईबे, नहीं तो जब अहम के चक्कर में बैठ तो जौन भजन हो हमारे बदे हुई, हम और हमारे बदे। और आप देखे कि जो श्री राम जी का धर्ममय रथ है उनमें बैराग एक उपकरण बा, खाली एक संतोष धीरज पवित्र बुद्धि विवेक वही दम संयम नियम अमल अचल मन ये सब एक एक उपकरण है। और हर गुरु के अंदर ऐसा होना चाहिए। अगर ये सब नहीं बा, अगर मन में मैल बा कल्याण हो बा बस बिराजो, अगर मन में मैल बा तो फिर कथुआ अगर गुरु बा है। नहीं मेरा तो तो रावण और हनुमान जी का जब युद्ध हुआ तो वह जब रावण हनुमान जी को घूसा मारा तो हनुमान जी गिरे नहीं, जे भगवान का भक्त था वो गिरी, लेकिन ये मोह जो ना घूसा मारा था गणेश जी ने, लेकिन भगवान के सच्चा गिरे। हाँ, लेकिन जब ही मारी हनुमान जी जब मारे तो मूर्छित होके लगा तारीफ करे, तारीफ लगा करे
लेकिन वो तारीफ में भी नहीं बहन ओकरे बाद भी कथन कि धिक्कार हमरे पुरुष तत्व के तू अभी जिंदा है नहीं जे भगवान के भक्त हो खाली भक्ति के नाता आज यह सरजू भाई से कहे कि बताओ जब मन पूरा नहीं देता है तब कौन नाता बा कम से कम मन से भाई भक्त होगा कहे कि भक्ति के नाते तो बात होता भैया बाकी कौन नाता बा दूर दूर से तो ठीक रावण युद्ध के लिए भयंकर रूप लेके आया और प्रभु से पहले सेवक वैसा सेवक भाई कभी सुनने में मिला नहीं लक्ष्मण जी जैसा तो भाई तो छोड़े अगर भगवान का भी अगर कोई सेवक ऐसा नहीं जो कि नारी निद्रा भोजन तीनों का त्याग करके सेवा करे लेकिन आप ये बन सकते आप बन सकते कहिए तो तुरंत जो है आपको युक्ति बताए और करें नारी निद्रा भोजन के 14 साल नहीं 28 साल कोनो दिक्कत न हुई अवसर रहला हर एक बात के हाँ कहत आगे बात हो है कि बस नारी निद्रा और भोजन तीनों के त्याग कर सकल है 14 दुना 28 साल के गणेश जी रिकॉर्ड होता नहीं कैसे वो छोड़ो यही नहीं है रास्ता रास्ता और वो रास्ता बहुत सुंदर बा और रहबे शरीरियो रही सेवो करबे बतावे ताकत लावे तो फिर आगे बात होए नहीं करे नहीं गुरु रह दे भाई मत हो कहे एक बार हाँ कह दे तो फिर गणेश जी बतावे हाँ ने देखा ये सरल बा बहुत बढ़िया नारी नारी का दू स्वरूप बा श्रद्धा और वासना माया तो नारी का त्याग करे बदे कहत है नारी का यानी माया का श्रद्धा का नहीं तो श्रद्धा और सम्मान के भाव से संसार जगत में जितनी माँ बहन बेटियां हैं सबको देखिए हो गया नारी का त्याग श्रद्धा का सम्मान कर रहे हैं कहां दिक्कत बा दिक्कत बा नहीं, नहीं बा तो हो गल नारी का त्याग और कहता दिक्कतों नहीं बा उन उस माया के अंदर भी श्रद्धा बैठी हुई है ऐसा नहीं है कि नहीं है तो श्रद्धा भाव या आपको निर्धारित करना है अब रही बात निद्रा की ठीक तो चार घंटा सूतत है 8 घंटा सूतो निद्रा के त्याग करे के हो तो 4 घंटा के बदले माने कि सूत जा तो तनको सोचे ही कि नहीं बा कि कब जगे के बाद क्या करे के बाद बस मोह के रात्रि से जग जा संसार माया रूपी नारिये से उत्पन्न बा एक भी व्यक्ति ऐसा धरती पर नहीं बन जेकी जेकर पति बहुत श्रद्धा भाव से अपने पत्नी के हृदय से लगाए हो पुत्र कामना बदे श्रद्धा भाव से बिल्कुल नहा धो के पवित्र भाव से नहीं तो सारा संसार वासना से उत्पन्न है तो वासना से उत्पन्न है तो इससे मोह खत्म
तो मोह रूपी रात्रि का नींद खत्म, नींद का भी हो गया त्याग। जोन मोह में सूतत रहले, देखा भाई सरल नहीं बा, काहे कोई का मोह करबे अब, अगर कराता है तो फिर वासना का मोह कराता है, तो नारी का त्याग कहाँ भाई? जब नारी का त्याग कर दिले तो उससे उत्पन्न जितना भी संतान बहन उनमें मोह का है, ठीक। तो देखा निद्रा का भी हो गल त्याग, बाकी शरीर के जितना चाहा था आराम से बन जब कोई का मोह नहीं बा ना, तो ही ज्यादा चाहबो न करी, जौन कुछ भी वो 8 घंटा का दुआ घंटा ढाई घंटा बहुत बा, थोड़ा सा रेस्ट कर ली है। अब रही बात भोजन का, तो भोजन के लिए शरीर के चलाओ बदे में कुछ डाल दे, आसक्ति न हो, लगाओ नहीं कि गुलाब जामुन बात है बस, यही है दुख उड़ गया यार ये वाला, ये ना चाहे एक ठेका चाहे दो ठेका चाहे 50 ठेका गुलाब जामुन स्वाद बदली, और कुल खा गिले तक का स्वाद 24 घंटा तक भी रही नहीं, पानी पी ले जहाँ खत्म, ठीक न। तो ए प्रकार से नारी निद्रा भोजन का त्याग तो बड़े प्रेम से कर सकल है, अब समझ में आवो, ते धर्म पे पैर एकदम जमावो, तो तन को फिसले मत, ऐसे ही शरीरिया चढ़ावा, मतलब जो चित्त बा चढ़ चढ़ के धाम पहुंचावा। ऐसे देखा एकदम मार्ग सरल बा। अब जे बोला था वो सब लोभ है और वासना के बीच में रह के बात कर रहा था, इस ओकरे बाणी से करो प्रभाव मत डालो, रूप रूप जोन बा वो कामना से उत्पन्न बा, तो रूप के करो प्रभाव न पड़े, ठीक। स्पर्श हवा के तत्व बा, कोई छुए कोनो मतलब नहीं बा, ठीक न। गणेश जी अगर कोई कहे कि हमारा चुम्मा लेके देखा हुआ है या नहीं, कह दे तू चुटकी भर नहीं चुल्लू भर पानी लेके ना कोई में रगाते मर जा, शर्म नहीं आओ तो पति के अलावा सपने हुआ न पुरुष जग, ये माता अनुसुईया जी के बाड़ी है, शर्म नहीं आओ तो कोई बहुत सज धज किया वे कि हम सुंदर ही कदे तुम्हारा, देखो जब पवित्र भाव में रहे ना तो ओकरे कल्याण बदे कह सकल है कि सुंदरी हम गणेश जी के दास है, और दास की यहाँ सुख नहीं हो, वैसे सुंदरी एक बात जरूर बता देता है कि राक्षसी रहील जो है सुरफुड़का, लेकिन जब राम जी के सामने गई ने तो एकदम सुंदरी बन के नहीं कहे तीनों लोक में तोरे जैसन पुरुष हमरे जैसन नारी, ये जो तू सच किया लो है ये चरित्र तो देखा वो नहीं क्या बा है, तू ओकरे आगे का कही कही एकदम बिगड़ गल लड़का तो हार ये ने एकदम आनंद में रहे यार जीवन भर जाने राम खिलौन बा, अब तनको जो है कैसे हड़क बे ना ही मेरा ढंग एकदम निडर अब धीर बुद्धि रही तब भैया एक एक बात बैठी, ठीक ने। तो देखिए कल आप लोग देखे कि ब्रह्म बाण लगने के बाद दो बात कहे श्री राम जी
और लक्ष्मण जी तुरंत उठ के बैठ गए और तुरंत युद्ध के लिए पहुंचते हैं। और रावण का रथ चूर चूर करके सारथी को मार कर रावण को व्याकुल कर देते हैं। इतना व्याकुल हो गया कि बिल्कुल मूर्छित हो गया। अंतिम में सारथी उसको लेकर के दूसरे रथ में बैठा कर लंका ले गया। और वहां दशानन जागी करी करे लागे कछु जाग्य राम विरोध विजय चह असठ हठ बसी अति आज्ञ। और लंका में जब रावण की मूर्छा समाप्त हुई तो जाग कर वह कुछ यज्ञ करने, वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी है, सब कल है रावण के ज्ञानी और यहाँ का बात होता अत्यंत अज्ञानी मूर्ख रावण हठ बस श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता। माने जो भी श्री राम जी से विरोध कर रहा है अपने फोटो मूर्ति की पूजा कराने के लिए कपट विद्या का प्रयोग कर रहा है वह निश्चित है कि एक एक कल्प के लिए नरक का अधिकारी बन चुका। जो वेद पर तर्क करता है श्रुति करी तर्का पर ही कल्प 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 भर नरका, वो जो है थोड़ा ओके पक्का पक्का समझ नहीं। कहे कि स्थिति बहुत अलग हुई गा बा। मारग जोई जा कहूं सु जोई भावा। वरन धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध रत सब नर नारी। वेद के विरोधी ये जितना देखो थे ये सब नर नारी वेद के विरोध करे बन है। कहे कि वेद शास्त्र और पुराण भैया सबकर ही रस है श्री रामचरित मानस। वो कहीं बा श्रुतिकर तर्का ठीक है ओके बाद में देखा जाए। बस इतने बा कि जे वेद का विरोधी बा वो निश्चित बा कि कल्प कल्प भर जो है नरक अनुगामी बा।
भगवान शंकर जी कहते हैं, देखा जौन प्रभु श्री राम जी के भाव का अनुभव आप लोग करता है, यह शिव जी की बाणी है कि क्षमाशील जे पर उपकारी अते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। माने जो ब्राह्मण क्षमाशील और हमेशा दूसरे के परम कल्याण में तत्पर है, शिव जी कहते हैं कि वह मुझे उतना ही प्रिय है जितना खर के शत्रु श्री राम जी। इतनी बड़ी बात भगवान भोलेनाथ करते हैं, ठीक ने? चलो कहीं तो श्री राम जी से विरोध करके अगर कोई विजय प्राप्त करना चाहता है तो वह निश्चित ही मतिमंद, और वह मतिमंद में होई गल कुल मूर्ख ज्ञानी और सब यह करे बान कलयुग भर जितना चला बा। ठीक, तो आगे बढ़ा जाए। इहा विभीषण सब सुधि पाई असपदि जाई रघुपति ही सुनाई। यहाँ विभीषण जी सब खबर पा गए, ठीक ने? कहें कि विभीषण जी के गुप्तचर भी बाए बात नहीं बात, और तुरंत जाकर श्री राम जी को पूरी बात कह सुनाए। सरजू भाई देखो, भक्ति के यह एक विशेषता होला, उनमें मोह ममता तो रहत नहीं, तो तुरंत आकर के पूरी की पूरी बात, ठीक ना? जिससे आप लोग भी जाना जहां अपन जुड़ा रहले पद से, तो ओकर जहां जहां बारीकी बात वहां से जब तक खुलासा न हुई तब तक अपने से कुछ कह नहीं सकते। जब कहबे तो ओकर तोड़ बता देंगे, फिर ओके तोड़ देबे, काहे कि दम्भे कपट पाखंड निकाल के भैया जब एक निकलबे तबे न आदर्श मानव धर्म स्थापित हुई। और इतना जान ले कि जब तक बुद्धि केथुओं से बधावा और वो बुद्धि रामचंद्र भाई जे भी लगाई यहाँ, वो कभी भगवान का सच्चा सेवक न बन पाई। जब बुद्धि बधावा तो वो पवित्र कहाँ से हो निषाद राज भाई? और कहते हैं विभीषण जी कि नाथ करई रावण एक जागा असिद्ध भये नहीं मरी ही अभाग। कहते हैं कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज में नहीं मरेगा। जने समझ ली, जो मोह वाला संसार है ना, इनमें ऐसा ऐसा जब तप यज्ञ हो जने, और ओकर प्रभाव यहाँ तक तो न आई। हाँ महाराज जी, हाँ कहीं कभी राम जी यहाँ तक कहाँ पहुँचे? वहाँ तक नहीं पहुँचत, ब्रह्मा जी शिव जी तक के लोग प्रसन्न होके वर ले ले लें, लेकिन यहाँ से वो मिले वाला सरजू भाई देख ले, सबके सामने खुलासा हो जाता। दुखरन भाई कहें कि हमरे मोह नहीं हो जने, और आज जो ना कि बरसाती वाला जो ना कोट मंगा ले तो शरीर का मोह बात अब ने, हाँ देख ले अब एकदम बताओ दही ने कुछ नहीं, शरीर का काम मोह करेगी बा, जब तक वह अपन भजन होता जब न रही न रही, एकदम पक्का पक्का कर ले। देखा कितना साफ साफ, जबकि वो रिश्ता में बड़ा भाई बा, हाँ? और यहाँ जब देखा अपन समय बात छुपा ली, अपने पर कोई बात रही नहीं, इसके ज्यादा ही मत बतावे नहीं।
अगर छुपा हुआ था कुछ तो कभी चित्त जो है परम पवित्र नहीं। कैसे पता कि अगर छुपेबे तो चित्त कभी पवित्र महाराज? जब छुपा जाए तब से कपट होगा तो कहां से? संत कहीं अस नीति प्रभु अश्रुति पुराण मुनि गाओ हो ही न बिमल विवेक उर गुरु सन किए दुराओ। कैसे पता था? ऐसे पता कि संत ऐसा नीति कहले वेद पुराण माने चार वेद 18 पुराण और मुनि लोग गावा लेन कि थोड़ा सा भी कुटिलता करवे तो कभी भी चित्त में परम निर्मलता नो आई। काहे कि एक बात फंसा रहा भरद्वाज मुनि के नहीं एक बात अब संसार में ये बात आप लोगों को अनुभव खूब हुई बात नहीं एक ही बात बताते अगर संसार में कुछ भी पूछना रह गया एक भी बात तब तक भ्रम के अंदर है तब तक अब कहाँ कुछ पूछेंगे बा ठीक ना तो समझ में आई गई बात यही से भाई देखा दुराव का जगह अगर दुराव कराता है तो वेद शास्त्र ऋषि मुनि संत सबका द्रोह कराता है ओके तन्नी से मत समझो नहीं पहले नहीं पता रहा द्रोह करा था महाराज पहले का पता रहा पहले से ये रहा कि तो पठवहु नाथ बेगी भट बंदर अकरही विधन से आवे दस कंदर अप्रात होते प्रभु सुभट पठाए हनुमदादि अंगद सब धाए। विभीषण जी कहते हैं कि हे नाथ तुरंत बानर योद्धाओं को भेजे जो यज्ञ का विध्वंस करे जिससे रावण युद्ध में आवे ठीक ना। प्रातः काल होते ही प्रभु वीर योद्धाओं को भेज दिए। दरअसल इनमें तो लिखा बा लेकिन यहाँ कुछ गलत बा रातों रात भेजा बा रात भर ओके यज्ञ करे के मौका नहीं देनी है ये कहीं से मिस प्रिंटिंग बा ठीक ना। और हनुमान जी अंगद जी आदि सब प्रधान वीर दौड़े। आप समझ लीजिए जो संत के अवस्था में जिसे कोई आध्यात्मिक गुरु कह भी रहा हो उसके लिए यज्ञ साधना ये सब ड्रामा का जगह नहीं रहना चाहिए। 24 घंटा बरो महीना हर एक श्वास प्रभु को समर्पित होना अगर साधना हो रहा है तो आप आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते। ये ने तो कौतुक कूदी चढ़े कपिलंका अपैठे रावण भवन यशंका अजग्य करत जब ही सो देखा सकल कपिने भा क्रोध विशेखा। बानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और बिल्कुल निर्भय होकर के रावण के महल में घुस गए।
कोई डर नहीं। तो निश्चित समझ लीजिए कि जो प्रभु के प्रताप को बैठा लेगा उसके अंदर शंका और डर नहीं रहेगा। किसी भी जीव के अंदर यदि शंका और डर है तो इसका अर्थ है कि वह प्रभु का सेवक नहीं है, यानी प्रभु के प्रताप को हृदय में बैठा ही नहीं, अहम के बस में है। और जेहू उसको यज्ञ करते हुए देखे लोग, अंगद हनुमान जी, तो सब बानरों को बहुत क्रोध हुआ। बताओ काहे गुस्सा भय? अरे दिन में युद्ध होता, रात को यज्ञ करे चाहे कुछ करे, उसे गुस्सा काहे भय? बताओ सरजू भाई। पगलन से बतिया वाले युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र ही यज्ञशाला होती है। कहरों की तरह युद्ध क्षेत्र में से भाग करके यज्ञ का सहारा लेना, यह जो है कहरों का कार्य है। वो मरने से बात नहीं है यहाँ पर, एक रणधीर के लिए युद्ध ही उसकी यज्ञशाला है, समझो। ये गहराई नहीं पता है लोगन के, ऐसे ही बोल दीजिए। देखो तो भाई मर के भी तो सबके पकड़े बा मुंह, और तुसे तो तुके तो सबसे ज्यादा पकड़े बा। मुंह है तो रावण बा नहीं। तो इसलिए क्रोध आया, क्योंकि वो अनीति है ना, जहां अनीति होगा। और कहते हैं अंगद जी हनुमान जी कि रन ते नीलज भाजी गृह आवा, आई बके ध्यान लगावा। कहते हैं नीलज युद्ध से भाग के चला आया और यहाँ आके बकुले वाला ध्यान लगा रहा है। ये ने वो बकुले वाला ध्यान बने। तो वस कही अंगद मारा लाता, अचितवन सठ स्वारथ मन राता। ऐसा कह के अंगद जी एक लात दमके, यानी लेकिन वह दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था, यानी इसलिए अंगद जी की ओर उसने देखा नहीं। ऐसा सुनो हो बे सब लालचिन के उनके कितनों बोल देवे ने। हाँ तो जे जे लालची नहीं, हाँ तो वो कुछ कहत नहीं, जने उनके कितनों डांट डपेट दे ये ने। तो अगर कोई डांटे पे अगर नहीं बोला था ठीक ने, तो समझ ले स्वार्थ में बा, तो स्वार्थी बा का मतलब कपटी भी बा, कहे कि लालच कपट लेके आवला। लालच बा जो है वो पराग, तो कपट बा ओकर जड़, ठीक ने। तो देखो बड़े अच्छे से समझो, ये जोन ममता है ये बहुत बड़ी है बीमारी। क्या हो? बहुत बड़ी। और ये बीमारी से सब सत्यानाश, ममता किसका नाश नहीं कर देता, सबका। ममता के बस में जो भी जीव रहा वह सारे पवित्र का या पवित्र यश का नाश कर देती है। तो नहीं चितवे जब करी को पैकपी गही दसन लातन है मारही, अधरी के सनारी निकारी बाहर अते ती दीन पू
पुकारही तब उठे क्रोध कृतांत सम गही चरण बानर डारही एही बीच कपिन विध्वंस कृत मख देखी मन मोहु हारही। जब अंगद जी के लात मारने पर भी उधर नहीं देखा रावण, तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे। जने लाते सुनाई सुने तो दांते से और लातों से मारने लगे। तब वो के करेंगे भाई यज्ञ सिद्ध, तब वो ध्यान जने अहंकारी के ममता रहला जरूर, जेके ममता के तन्नी सा अंश बा जने सपने में भी तो वो अहंकार के शिकार बाय। देखे बुआ बात तो पक्का पक्का ही है, जब ऐसे नहीं माने तब देखा वो है हर एक चीज के कमजोर पॉइंट रहला, ठीक ना। तब क्या किए अंगद हनुमान जी कि नारियों के बाल पकड़ के घसीटने लगे और सब चिल्लाने लगी, और जब चिल्लाने लगी तो देखा वो है ममता अभी कमजोरी के जो है वो कच्चा पड़ेगा और उठ गई यज्ञ से। नहीं नहीं देखा आज भी अगर समाज में अगर कहीं नारी के अगर कोई दिक्कत रहे तो कितनों बड़े काम से जाता है लेकिन नारी की आवाज सुन करके सब चला जाला। नहीं एक बार तक गणेश जी से इंटरव्यू में पूछ लेवागा कि एक 16 साल का लड़की जो है गिर गई एक्सीडेंट में और एक 80 साल का बुढ़िया तक के उठे हुए गहन की लड़की के बुढ़िया के जने ऐसे ही सब जने भाई तो कहन काहे तो फिर वहां तुरंत कहन की तो हो गल गलती अभी क्या सुधारा है कैसे कहे वो तो अपना जीवन जने तुरंत जिस पकड़ में आ गल ने तो अपना जीवन लगभग बिता चुकी है और उस बहन को तो अपनी पूरी जिंदगी जी दी नहीं लोग फसत फसत के बात में अपन पलट देने ठीक। अब वो जब खसीटने लगे तब दीन होके सब पुकारने लगी नहीं और अहंकारी रावण, और जब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा तो बानरों का पैर पकड़कर पटकने लगा, और इसी बीच में और जो बानर लोग थे वो जाकर के यज्ञ में पानी ठीक ना। तो देखो ममता एक कितना जो है देखे कर देख ले प्रभाव और उसके दिमाग में रखो ममता ही सारे जो है कि यश का नाश करती है। यह देखकर रावण मन में हार गया, तभी मतलब अब निराश हो गया, उसकी यही एक आशा थी अब वह जो है बिल्कुल निराश। तो अहंकार तब आशा निराशा अहम छोड़ते बतावा था एकदम दूध है दूध में रहवे, तो दूध में जब रहवे तो कहा उमें अब डर रही नहीं, वो तो तृप्ति रही हमेशा। तो यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए रघुपति पास अचले निशाचर क्रोध होई त्याग जीवन कैलाश। तो यज्ञ विध्वंस करके
सब चतुर बानर श्री राम जी के पास आ तब रावण जी ने की आशा छोड़कर जीने की आशा क्रोधित होकर चला जाने राम सिंह भाई एक गिलास पानी पी ले बोल जा ठीक ठीक आप लोग चित के रखे वो आ जाए समझो बात एकदम सरल सरल बात कहें कि लोग ममता के बहुत बड़ा जो है भगवान मान ले बहन वो बड़ा खतरनाक व्यवस्था है और एक खाली ज्ञानी लोग त्याग कर सकलें कोई अपने से रामचंद्र भाई कितनो कह रहे नहीं गुरु आप कहां मोह ममता अब आपकी कृपा से सब ठीक होएगा कि लेकिन खाली कौन है वो अंदर से देखा रोला ने कहे कि ममता त्याग कर ही जिमी ज्ञानी ये ने और ज्ञान मिलला साधक के ज्ञान साधक मन जिमी होई विवेका उ विषय पुरुष के परमात्मा का ज्ञान जेके संसार में एको विषय बा भाई जने रख दे ओके उ पक्का ज्ञान नहीं हो और जेके पक्का ज्ञान न होई उ ममता के कभी त्याग करी नहीं सकत ये बात एकदम पक्का पक्का प्रमाणित समझो इनमें कौनो दूर आए नहीं बात ठीक समझा सन भाई तो जे अब साधना और साधना बदे चाहिए संतोष और संतोष मिली जब परहित रूपी धर्म पक्का कर लेबे तो परहित माने शरीर से सेवा होता लेकिन कर्ता भाव न रहे और परहित बदे धारण करे पड़ी सत चलत ऐसा यो यात्रा कर ले ही बीच में जे सत के धारण न करी वो परहित के कार न करी और सत के वह धारण कर सकला जेकर शरीर पत्नी पुत्र घर धन और धरती से कौनो लगाव अगर लगाव रही तो झूठ बोलवाइबे करी नहीं ते तनु तय तनय अधामु धन धरनी सत्य संध कहाँ अत्रिन सम बरनी सत्य संध कहाँ ये ने तो कुछ नहीं अब ऐसा जीव जो समझ गया कि आत्मा से शरीर चल रहा है हम कुछ अलग से वही जो है सत्य व्रत को धारण कर सकता कल्याणो भाई राम जी भाई बिठो अब उकरे बाद जानत है वह यात्रा सत्य के पहले वाला ये ने तो देखा भाव बात बा अब जे भगवान का सेवक विश्वास करके वो रास्ते पे चले वो कहाँ बा निकाले क्यों जोन बा हाँ अब देखो सही शरीर पत्नी पुत्र घर धन धरती से अनाशक्ति वह कर सकेला जेके जे बिल्कुल जो है अनुभव कर ले कि मात्र आत्मा ही ये शरीर का असली स्वामी
यानी ईश्वर प्राणिधान, लेकिन ई कही के जे स्वाध्याय कर माने अपने ही द्वारा अध्ययन। हाँ तो अपने द्वारा अध्ययन का करबे वे जान ले। इतना तो बुद्धि काम करता कि प्राण बा याने तब शरीर चलता और प्राण का दाता बन शिव जी याने इतना तो बुद्धि काम करते बा जहां कोई के प्राण संकट में पड़ा लगला रुद्राभिषेक करावा महामृत्युंजय करावा नहीं बचिए नो खटाखट पंडित जी के यहाँ पहुंच करके लोग जो है करावा लगल तो निश्चित बात शंकर जी प्राण के दाता बन और प्राण बिना शरीर चली तो बुद्धि में इतना बैठावे की पड़ी तुरंत कि शिव जी ही ये शरीर का स्वामी और ये शरीर शंकर जी के सेवक तब करबे निष्काम सेवा। यह स्वाध्याय में करे के पड़ी अब जे करे चाहे तब करबे निष्काम सेवा और निश्चित बाकी बिना लालच का सेवा दे बा तो मन स्थिर होई। लालच में सेवा दे बा लालच पूरा नहीं बल तो मन बिकल नहीं तो स्वाध्याय में यह। और जब मन स्थिर होई तब समझ में आई कि जीव ना के आंख कान चमड़ा ये सब मात्र जो है कि जीवात्मा का सेवक है। फिर एक नौकरी छूट जाई तब जाके इंद्री पर नियंत्रण। ओकरे बाद जब नियंत्रण हुई तब मनई के जौन नियम होला जौन मानव आदर्श मानव धर्म के आधार बा। अब ऐसे समझ ले कि ये प्रकृति में जितना जीव कीट पतंगा पेड़ पौधा उत्पन्न बन सब प्रकृति के संतुलन बदे बन। अपने से कोई का उत्पत्ति बिना काम का प्रकृति कोई के यहाँ उत्पन्न याने बिना लालच के कोई बेटवा थोड़ा पैदा करला तो लालच में करला कि लड़को आगे चल के हमार सेवा लालच में चेला बनावता है सबने। हाँ तो प्रकृति के संतुलन के लिए सब जीव हैं, इसलिए विचार कर्म और वाणी तीनों से किसी जीव को कष्ट न हो तब अहिंसा का भाव उत्पन्न होगा। तो शिव जी स्वामी शरीर सेवक निष्काम शरणागत का भाव निष्काम सेवा मन नियंत्रण में और इंद्रिया नियंत्रण में तब होगा अहिंसा का आधार मिलेगा। फिर बुद्धि में विचार कर लेंगे कि चोरी के भाव से जैसे ही पैर आगे बढ़ाते हैं वैसे ही बल बुद्धि और तेज शून्य हो जाता। वही जो रावण का प्रसंग है जब सीता हरण के लिए वो चला तो उसके साथ वही भड़ियाई कुत्ते जैसा। तो यह इसलिए चोरी के भाव को चित्त में स्थान नहीं देना है। चाहिए क्या है सब एकदम पक्का कर ले बताओ था जिसे लगता था कि बस उस सूजी का हलवा है कि हाँ। अरे जब पक्का पक्का पता हो गया तो फिर नहीं करना है यह ना अपने से अध्ययन कर बे नहीं तो कहीं नहीं तो अगर प्रैक्टिकल करे खो तो कहीं चोरी के भाव से निकले एक बार देखो जा कोई के लौकी तोड़े बदे जा खुर से अगर करे नहीं भाई। हाँ मेरा सही बात है इतना बड़ा पहलवान भाई तो अस्ते हो गया। ओकरे बाद में कहा बा कि अब जब जीभ नाक आंख कान चमड़ा पर जो है नियंत्रण बा तो धन एकरे बदे का हुई तो जवन भी अच्छे सत्य मार्ग पे चल के जो है धन आवा तो खाली सेवा बदे बा तब अपरिग्रह का भाव उत्पन्न हुई। और ओकरे बाद कहा कि रूप रस गंध स्पर्श वाणी अपन अटैक करी है याने कोई काजल लगा के तो कोई ओठलाली लगा के लेकिन धीरज बेकाबू हुए के जरूरत कोई धन के लालच देके तो कोनो बाबा बीवी बहन तो उन्होंने कामना पैदा करिए लगी है तो के हम ही बना दे वो बना दे जैसे कपटी मुनि कह रहा है।
तो धीरज जब रखबे तब आई क्षमा, बिना धीरज के क्षमा हो नहीं सकत, तो उसमें अपन कुल बुद्धि लगा के सोच ले। धीरज न रही तो क्षमा कहाँ से हुई? तो कुछ नहीं, धरती पलट जाए लेकिन जो है कि क्रोध नहीं करे के बा, ठीक ना? तो जब धीरज क्षमा हो जाए राम जी भाई, तब वे जाके ब्रह्मचर्य का पालन इतना जे न कर पाई, वो कितनो कहे कि नहीं गुरु सब बा, लेकिन गुरु के बता बा कि सिखावे की जरूरत नहीं बा, अगर ई चरित नहीं बा तो वो जो न, हाँ वो टोटी जरूर समय समय पे खुल जाए, फिर जो कुछ कहे की जरूरत। इतना चीज रही तब वे जा करके ब्रह्मचर्य और साथ में जौन लौकिक दृश्य जगत बा में सप्त ऋषि, जने सप्त ऋषि कहे बहन कि तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मार, समस्त नारिया मात्र जो है माता भवानी से उत्पन्न है। इस विचार को स्थिर करेंगे कि जब उनके अंश को आप श्रद्धा और सम्मान के भाव से देखना शुरू करेंगे तब सत्य के तरफ यात्रा कर सकते हैं, जने। और रही बात कि देखो अब क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ भाई, नहीं कहो देखे भाव आओ तक कह जाए यहाँ पक्का पक्का है। हाँ, तो जब तक ये विश्वास न पैदा कर सको, पत्नी समेत संसार जगत की जितनी माँ बहन बेटी है, तब तक शिव मंदिर में ताला लगा दीजिए, जल भी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और जो नारी अपने पति को अपना शंकर जी न माने, उसको जल चढ़ाने बेलपत्र की आवश्यकता नहीं है। सावन में एकदम बंद रखिए मंदिर, कोई आवश्यकता नहीं कर ये ने निजाद राज भाई, खुला भी रहेगा, कहा खुला रहेगा, ताला बंद रहेगी, खुला रही उस तरह कहूँ मैं। देखो मैंने भावे तो बा, हाँ पति परमेश्वर नहीं, और चलते ये डोलची लेके शंकर जी क्या कि हम धर्मात्मा आई ये ने, तो देखो अगर कर ही जाए तो एकदम करो, और करबे तो हो ही, करे से कुल कम होला, ठीक। और जब ब्रह्मचर्य का पालन कर लेंगे, जने तब जाके सरल बनबे। ये जो देखो ला कि गुरु एकदम सरल भाव में कुल बतिए बता दे लेना, का तनाव में तो नहीं बाधी मार, एकदम ऐसे जाने, तब सरलता हुई, तब जाके मैत्री भाव उत्पन्न होला, तब मित्र बनावे के नियम बा। यह सब लालच में खरी संगी बनाए बहन, लालच नहीं तो कहीं देखे बबा संगी है भाई, देखे अभी पति आल बार संभाल दे भाई, दुखरन भाई, और काम निकल जाए तू के हम तो नहीं चिन्ह दी भाई, तू कहा करो जाने। तब मैत्री भाव उत्पन्न, और जब यही नौ भाव को अस्थाई कर लेंगे, तब त्याग का भाव उत्पन्न, और तब करबे तपस्या, और जब तपस्या के पवित्र कर ले गई ले, याने जब तक त्याग न रही तब तक तपस्या, सरजू भाई, हाँ जब जब तक वो बरसाती वाला कोट चाही कोनो भी चाही वाला का कोनो अंश बा तो तपस्या नहीं जने। और जब इतना करबे तब जाके होई स्वाध्याय, तब जाके, और तब जाके समझ में आई कि रामे जी शरीर के मालिक हैं, तू कुछ है, हाँ बस खाली जुग जुग जिये तू, ललनवा से लेके कुल जो है माया से बुद्धि पट गा रहा कुछ रहा, और झूठा के जमीन बेच के भी भंडारा करे के जो दिमाग में भरा बा, ये कौन नाटक बा? तो देखो भवा ऐसे ही जो है, अब यही के माध्यम से अब क्या करबे, अभी कोई के व्यक्तिगत मैसेज लिख नहीं सकते, टेलीफोन पर बात अंतिम सांस तक करिए नहीं, ठीक ने? तब यही के माध्यम से अब जे
ये शरीरी के जौने भाव से अगर प्रेम करे हुए अगर इनकर बात मान के रास्ते पे चले शरण में जे आ गए जने ओके और शरण में आवा बदे हम हमार के जोनों नौटंकी छोड़ के ठीक बने देखो अब सब समझ में आएगा। यही का स्वाध्याय और मात्र स्वाध्याय तक पहुंचाना गुरु का कर्म, उसके बाद आप दबाव नहीं दे सकते कि आप ऐसा करिए मत करिए। अब गुरु का सम्मान करना है तब इसी रास्ते पर दृढ़ निश्चय होकर चलना चाहिए। रामचंद्र भाई जब यहाँ चल दिला तो यही कलन गुरुमुख, जैसे गुरुमुख कहल है माने मुख मतलब अब आँख कान शरीर चमड़ा जितना शरीर बा पूरी व्यवस्था और मन, अब गुरु गुरु का मतलब मोह माया और निजी इच्छा के अंत की तरफ की यात्रा। तक सारा जो है ये जोन गली कुच्ची और ये रोड वो रोड यानी सरैया से कठिनाई वाला रोड ये कुछ छोड़ो अब सीधा हाईवे पकड़ो नहीं कहे की यात्रा लंबा बने और ये यात्रा हवाई जहाज से नहीं हो सको। देखे भवा ये हवा तो दे दे अब जब यह चलबे तब बने ये हवा का प्रयोग हुआ नहीं तो हवा बहा दे पछुआ जब पुरु की तरफ यानी गुरु तरफ जीबे तब बात काम बा और जब यह माया जगत के अलग सोचबे तो ये सब जो है अड़चन नजर आई नहीं। और जने और ये सब जब निर्णय ले जाए तो इनमें कोई से पूछे की जरूरत नहीं पड़त, न तो पत्नी के पति से पूछे के पड़े न पति के पत्नी से पूछे के पड़े न लड़का के माँ से पूछे के पड़े। ए पर चले बदे हर कोई स्वतंत्र बा और नियम तो यहाँ तक बा के मार्ग में जे जौने क्षण चाहे चाहे 5 साल का 6 साल का भक्त प्रहलाद चाहे समझे चाहे जो है कि 82 साल के सरजू भाई चाहे चाहे 25 साल के गणेश जी चाहे चाहे 55 साल के माने राम खिलावन भाई चाहे चाहे 52 साल के राम जी भाई चाहे जे जौने क्षण चाहे ये रास्ते पे चल सकला और ये रास्ते पर जे भी बाढ़चन आवे माई बाऊ बहिन घर संपत्ति मित जने गुरु तक कोई भी जे अड़चन में आवे ओकर त्याग चल जे अच्छा जीवन जिया में कौन बा पवित्र होके निष्काम सेवा दे निष्काम भजन करे बाकी का एक तो कौन अस्तित्व बा नहीं ऊपर से ढेर सारा पहाड़ रखे बा बतावे इतने काम बा एकरे बजे कौन 52 बीघा का आश्रम बनाओगे जरूरत बा सरजू बा हां इसमें कौन ये करे की जरूरत बा ढेर सारा ड्रामा सही रास्ते पे चले के ताकत नहीं बा और यो जान ले एक व्यक्ति शरणागत भाव में नहीं बा जे धर्म का शुरुआत करे बा वो अहंकार के कारण नया नया पंथ भैया ठीक इतना समझ गई ले अब बात आगे बढ़े कहे कि तनको मत समझे उ रामायण के पूर्णावृत्ति करे के अर्थ बा कि पूरा मन एकदम पवित्र हो जाए चाहिए कहे न कि कलयुग के सारे पापों को जो है ये साफ करने वाला व्यवस्था है जितना 20 बार कुल गारुड़ी मंत्र हो गए बदे नहीं दिक्कत ना हो जाए अगर जरूरत हो तो मंदिर बंद कर दे बताओ दे आप तो मालिक भाई आपका निर्णय सबके और सब जने एकर सम्मान हाँ जब तक मेरा लोग अपने पति के अपन शंकर जी न माने तब तक उन्हें जा ही मत बाहरी कोई पिया नहीं। अरे बाहरी का पहले घर में देखो बोले के चक्कर में का अरे अब ये 3-5 जने भाई अरे 3-5 के चक्कर नहीं भाई ये तो 3-5 करे में कुल जीवन बीत गल 3-5 करे से कुछ हुआ वाला और खुद स्वतः पर पहले लागू करो खुद का अर्थ बा कि अगर ये भाव नहीं बा तो कुछ भी हो
मंदिर के चौखट में पैर मत रखो। राम खिलावन भाई कदा भाई वो लायक नहीं भाई। चंदन लगाई तो दूर के बाद बा पहले दिन देखा तगड़ा। ठीक ना गणेश जी, देखे भवाई कल्याण मत होता है, मैं तनको नाराज हुआ के जरूरत है। देखो नहीं तो अपन जो ना कि कुछ नहीं चरण का करा रख दू, चाहे सनिश्चर के वो हो चाहे ना हो, कदा बोला एक बना दे। ठीक अब आओ यहाँ ये बात के रख ले ले, रख करके पहले ओके जो ना खिड़की में, खिड़की नहीं वो का जो होला खिड़की है नहीं, खिड़की नहीं यार अलमारी, अलमारी में रख के पहले ओके बंद कर दे, और फिर जब यहाँ से खाली हो तो अपन निकालो, वहां तक पहुंचो जब तक श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, अब बिनु मही गंध की पावई कोई, बिना श्रद्धा के धर्म पे कोई चली नहीं सकत, और वासना के त्याग कर बे ना श्रद्धा हो जाई। हाँ राम जी भाई मेरे रुवन झूठा के जो ना कहीं जाए तो समा हुई तो अपने आप हो जाई। हाँ पहले चलो इधर, कुछ नहीं जरूरत पड़ी बड़ा बढ़िया करे बार लौकी लगाए बे, लौकी खाली सब्जी खा, सादा सादा मसाला के भाई देखा कर सादा करे को। ठीक और अलग से बुद्धि लगा के मत सोचे, नहीं कहे कि महाराज तू अपन जो ना निकल गल बात जो ना इसे कहे। देखा ठीक, तो यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए, और तब रावण जी ने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर युद्ध की मैदान की ओर चला। तो चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठ ही गीध उड़ाई सिरन पर। जब वो चला तो बड़ा भयानक अशुभ होने लगा, अब शगुन गिद्ध उड़ रहे हैं और उसके सर पे आके बैठ जा रहे हैं, समझे। तो क्या समझौता है गिद्ध बहन, अरे बहुत बहन मनई के रूप में सर पे आके बैठ, सर पे तो बैठ ले बहन। तू बता दे जहाँ से बदली अवल है, नहीं ही मत सोच। राम खिलौन भाई पवित्र भाव से सुना कहीं अटक गई ले, नहीं गिद्ध बहन है जे सर में बैठा हुआ गिद्ध बहन है जे नोचा था सर नहीं। तो भयउ काल बसे काहू न माना, अकहेसी बजावहू युद्ध निशाना। अब वह काल के बस में हो गया है रावण जने, और किसी की बात नहीं सुन रहा है, और न तो कोई अपशगुन मानता है, कोई अपशगुन भी नहीं मान रहा है। और उसने कहा युद्ध का डंका बजाओ, समझ ले ये कैसे जीत। हाँ उधर यहाँ हो लाइट हुई का देखा भाई, समझ ले कि नहीं, क्या समझ ले। जे काल के बस में बा रावण के तरह जने, वो यहां से अगर कोनो बात दिया था अगर ओकर पालन नहीं करा था तो वो समझ ले रावण के ही अंश। सरजू भाई तो समझ गई ना क्या करे के बा, तो अगर करबे तो ठीक और न करबे तो जनते भाई ओकरे आगे।
कहे कि ऐसे मुहर न लगी है जदे ऐसे मुहर न लगी है। यह न कहे कि बात अगर समझ में आओ तो ना ही करता है तो मोह के बस में न कर बे। जैसे ही बात पक्का पक्का होएगा कि भाई अब जे अब भाई हो गई ना बाऊ हो गई है अब तो कोई निर्भरसा न कही ने है और यो पता होगा कि सब श्रद्धा सम्मान बदे बा जब तक की भाव नहीं बा तब तक इतना तो कर सकल कि नहीं प्रांगण में जो है कि मंदिर के प्रांगण में पैर रखे के बा और जब करत है तो फिर वह शिक्षा दे और जो ऐसा न करे जने ओकर मंदिर में प्रवेश बंद कर चाहे कुछ भी हो। कहे कि जब तक कठोर निर्णय न लेबे तब तक कोई सुधरे वाला ये कुल नाटक कर जोन डोलची लेके न चलिए फूल तोड़ तोड़ लिए चोरी से जाने वो तोड़ के एक बार देखे रहे तोड़ किसी देखो रहे तो देखो तो नहीं बा चोरी करता है फूल के तो चोरी के चीज चढ़ा दे भगवान शंकर जी खुश हो जाइए। ठीक बात समझ नहीं आवा तो भाई ओके रूप देवे के पढ़वे करी है कि भाई गुरु फसावत है फसावत है गुरु छुड़ावत है और शंकर जी छुड़ावत है नैन के बहन तो कुछ नहीं बहन। अब तो चली तमी चरे अनी अपारा अब बहु गज रथ पदाती अस्वारा निशाचरों की अपार सेना चली उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार और पैदल है जाने? अब देखो आप लोग कुछ भी जब निर्णय लेबे तो मैं तमाम सब अपन माया ना दिखाई ये माया जगत इतना तगड़ा है ना कि ऐसे ही भवा बेचारन मनई के कुल ले ले ढेर सारा कि तू कभी हम ये न करवे कभी कुल वचन ले ले ही है और कुल वही का सहारा कि तू हम इसे प्रेम करत रह ले और आज इसे कहता है जाने वही में जो कमजोर पड़ा हूँ बा नहीं यहाँ कुछ नहीं जौन कुछ करत रहे वो ज्ञान रहा अब शंकर जी की कृपा हो गल अभी सब ये ने हाँ ते ये सब जौन मोह ममता ले के सब नाटक करल न एक जान ले कितना बड़ा कीमत बा एक जान ले कि प्रभु सन मुख धाए खल कैसे असलभ समूह है या नल का जैसे प्रभु श्री राम जी के सन्मुख सब राक्षस कैसे दौड़ रहे हैं जैसे आग के सामने पखियारी जाती ये सब पाखी है समझे हाँ और आज प्रभु के जो है अग्नि में जल करके सब परम धाम चले जाएंगी तो मैं वियोग होई बिरह ये सब हो वे करी नहीं तो वो मेरा रुवन के न सुहाई आप लोग देखा मनई के शरीर पाए बाय रघुवंशी कुल भी बा बाकी समझता है कि नहीं बिना तपस्या के कैसे भवा बताओ भगवान अपने में मिले हैं इनका नियम बाकी मोह का तनको अंश नहीं तोरे प्रेम के स्वीकार तो राम खिलौन भाई जोन बाबा जी आल बहन महुआ तर तो कुछ खाबो कर ले तैयार रहे कुछ खा ले बतावे हाँ महाराज जोन क्या खा ले जोन बाबा महाराज नहीं ऐसे नहीं सफा सफा जो बाप दे क्या खा ले महाराज चावल दाल रोटी राम जी भाई अब इधर अब और अब सही सही देखे ये तो कभी कभी लिया हुआ लेन है ना तू बतावे क्या खा लेन हाँ महाराज खा लेन महाराज जी की चावल दाल
और कहला दही कभी कभी महाराज कभी कभी दूध। इन अहम खा लें मुँह खा लें महाराज और घमंड खा लें कपट खा लें यह सब खा लें महाराज। ठीक तो अब प्रभु बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार हैं। अशोभा देखी हरसी सुर बरस ही सुमन अपार। जय भाई अजय जय जय करुणा निधि अच्छा विबल गुने आगर। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर अपार फूलों की वर्षा कर रहे और शोभा शक्ति एवं गुणों के धाम। शोभा शक्ति और सदगुणों के धाम। तो शोभा का अर्थ ही नहीं बा मुहे का शोभा, अंदर से पवित्र वो शोभा की बाहर से वो शेविंग करा के का भाई अंदर से अगर पवित्र नहीं बा तो बाहर से जे करावा था ना वो राक्षस बा भाई। राम सिंह भाई अंदर से पवित्र नहीं बा और बड़े से सेविंग करावे तो क्या बारा सेवन है। अंदर से पवित्र नहीं बा बड़े से दिखावता है कि हम बहुत बढ़िया भाई माने समझे बजे कहिए हम बहुत सामाजिक है। सामाजिक नहीं है राक्षसी समाज के अंग है पापियन के ठीक है। अंदर से पवित्र है तो बड़े से कर सकल है और अंदर से पवित्र नहीं बा तो बड़े से अगर करता है तो फिर का मतलब बा कि बा जगह तो समझ ले क्या समझ ले कि अब जब तक अंदर से पूरा पवित्र न हो गए अब तब तक दाढ़ी मूछ कुछ बने वाला गुरु तू तो ऐसा समझावत है कि खा करी का निष्काम सेवा निष्काम भजन करो। अगर कहीं भी मलाल बा ने कहे गुरु आज कुछ ज्यादा मिल गल बा तू ठीक है। अरे अभी 7 साल पहले रवि गुरु चलें जो है अमेरिका से ब्याह करे नहीं अब देखा है आज सब कुछ एकदम प्रेरणा स्वरूप होगा बा सब कुछ व्यवस्था बा लेकिन यही 7 साल में भाई जो संसार दिखा था उनमें 52 साल का आध्यात्मिक पत्नी 23 साल का पुत्र नहीं 20 साल का पुत्री जीवन जिए के खेल नियम होला बहुत कम समय में आप बहुत बड़ा जीवन जी सकल है। कब जब अंदर से पवित्र रहबे नहीं करोड़ों करोड़ों जन्म लेके मोह माया में जो ना मरत रहे कुछ हुए वाला मोह के बसही पखियारी जाकर के दिया में जोर जाली लेकिन उन्हें कोई नहीं कहत कि आज इतनी पखियारी शहीद हो गई कोई कहला भाई मोहे बस गधा कुल भार ढोवाला नहीं खच्चर नहीं देखले लेकिन उन्हें कोई बहादुर कहला तो बताओ ये पखियारी गधा खच्चर बने से भगत कोई बन जाए एकदम ठीक देखो समझो अब यहाँ पक्का पक्का मन जेके आज सरजू भाई बता दई
अगर मन पक्का पक्का दे है तब काल से बातचीत होने आए अपन और अपन बैठो जाने क्या कहें लक्ष्मण जी जब सीधा कह दें कि प्रभु आज अगर मैं दुष्ट मेघनाथ का वध करके नहीं आया तो मैं कभी आपका सेवक नहीं कहूंगा ये ने तो भाई वो भाव तो बैठे चाहिए ने और अहम रही तब कामना हुई जॉन भाई देखो बात तो एकदम सफा सफा बा भाई अबे गुरु तू बैठा भाई तू आगे बढ़े हमने के ऊपर का बीता तो उधर हमने समझा भाई कुछ नहीं एकदम साधु रू जाने कोनो ऐसा भार थोड़ो का आदमी जैसे देखो अब कोई थोड़ो कहे कि ले 100 रुपया ले नहीं गोली मार दे अगर लोग का जे मुक्त होएगा तो वो कोई ई कर सकला नहीं देखो आदमी चाहे राक्षस का जीवन जिया चाहे मनई के जीवन जिया चाहे साधु का जीवन जिया हर जीवन जिया बदे वो बिल्कुल स्वतंत्र लेकिन ये कहा कि राक्षस का जीवन जिया था वो कहा था कि हम साधु का जीवन जिया था ही तो काट के फेंक दे वाला एक बार कम से कम जो गुंडा बा ओके सब पता बा कि गुंडा हो यहाँ तो पतो नहीं बा खून पी जाता है सजने ये ने तो वो तो बड़ा खतरनाक गुंडा बने ठीक तो शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकार होने जाने तो यही बीच निशाचर यानी कसम सातयाई अति घानी देखी चले सन मुख कपि भट्टा प्रलय काल के जनु घन घट्टा इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई यानी आपस में टकराती हुई आई और उसे देखकर बानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो अब प्रलय काल के बादल अब जो देखे हुई हुए जानी है ने यह कि अपने जान में जो एकदम तगड़ा बारिश देखे हुए कि एकदम ऐसन बारिश क्या कल्पना कर ले कैसन बारिश हो गल ने जाने कि पता चला था कि भैया दिल्ली से लेके कलकत्ता तक पूरा जल नहीं तो क्या कहे हम महुआ के पेड़े पे चढ़ जा तो ऐसे जो है राक्षसों की तरफ बानरों की सेना चली देखिए कैसे समझ ले वह अहम से लेके वह कुल राक्षस बायन तो ये कुल जो सेना बा अब स्वाध्याय तक तो देखा पहुंचा दे एकदम राम से एकदम पवित्र भाव से अभी देखा बात तो बैठा था कि धीरज न रही तो क्षमा यह स्वाध्याय में यह करे के बा तब एकदम स्वाध्याय करके एकदम प्रचंड सेना के चला दे जाने बुद्धि तक काम करते हुई इतना तो भाई कि पास है कोई चौपाई श्री राम से इस मानस के अपने अंदर डाल दे पक्का पक्का जाने और ओकर जो ना मोह खत्म एमे हजार भागवत गीता बा देखो तो बा
नहीं अब कोई जीवन में उतारा के तैयार नहीं बा और गई है ये करा से कुछ हुआ वाला समझे ने कहे कि भरद्वाज जी कहे बहन जने क्या कहे बहन कि विस्तार से वह कथा कहिए प्रभु वह कथा एकट ही भ्रम रहा भरद्वाज जी के कि वो प्रभु श्री राम जी जेकर शंकर जी जाप करत हैं वो है राम जी जो दशरथ जी के यहाँ अवतार ले रहे उन्हीं की और दूसर कोई यह एक भ्रम तो देखो थोड़ा वो प्रसंग के समझ ले क्या कि अब चित्त में कहे बहन कि पूरा समझा कर कहे कि सोई प्रभु राम की अपर को अजाही जपत त्रिपुरारी असत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहू विवेक विचारी आप सत्य के घर ही है और सर्वज्ञ है यानी सब कुछ जानने वाले उसके बाद भी विवेक से विचार करके कहिए कहे कि जैसे मिटे मोह भ्रम भारी कहूं सो कथा नाथ विस्तारी हे प्रभु जैसे मेरा यह भारी भ्रम दूर हो जाए वैसे विस्तार से यह कथा और यह सब राक्षस कहते हैं कि नहीं इनको समझने की जरूरत नहीं है रामचरित मानस सिर्फ गाने के लिए बनाया गया है ऐसा एक राक्षस है ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है ठुमरी उमरी गाता है तुम्हारा वो ओदी मोदी जो है उसका पैर छूता है कोई है छन्नू लाल मिश्रा करके इस प्रकार का निकृष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं वो कोई उरारी मुरारी है राक्षस वो कहता है कि कोई आदमी एक को अपने आप को शांति प्राप्त कर सकता है वो पूरे संसार को शांति नहीं दे सकता ये सब जो है गवैया लोग लगे गुरु का काम करने जब तुम वहां तक नहीं पहुंच पाए तो क्यों जो है कि अपना कच्ची वाणी दे देते हो ये न जबकि संत उदय संतत सुखकारी अविश्व सुख दे जिमी इंदु तमारी एक संत का उदय पूरे विश्व के लिए उतना ही सुखदायक होता है जितना सूर्य और चंद्रमा का उदय एक ही सूर्य और पूरे जो है ब्रह्मांड को प्रकाशित तो एक संत का उदय से ही सारा कार्य होना है अगर कोई कहता है तो वह अंधा है वह अंधा है नहीं देखा था एक सूर्य से पूरा धरती प्रकाशित बने और सब रात में परेशान रहा जाने जिक्र यहाँ दिया बत्ती नहीं बा वो जो हाला के सवेर हो तो गोल नीचे रखी नहीं पता नहीं किरा नहीं भाई तो ऐसा होता है संत का उदय नाथ कहा ये सब ठीक तो दिक्कत नहीं भाई तो ऐसे अब देखिए अब यहाँ पर वही बानर सेना है सब इन बानर सेना को बिल्कुल जो है प्रलय काल के इनका सबको प्रलय में बहा दे कहीं कोनो जगह कहाँ बा कोनो भ्रम हो तो बताया नहीं महाराज भ्रम गणेश जी कहीं कुछ तकलीफ तो बा ममता के कारण जब लेकिन ओकर बाल पकड़ के छोटा लेकिन घसीटे तो रावण को उठा के पड़ा ने तो ममता कितना खतरनाक व्यवस्था बा
तो बहु कृपान तरवारी चमक ही अजनु दह दिसी दामिनी दमक ही अगजरथ तुरग चीकार कठोरा गर्जहि मनहु बलाहक गोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही, कृपाण मतलब फरसा हुई, उसे कृपाण माने तो तलवारें समझ में आवला ठीक। तो कृपाण और तलवारें चमक रही है मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो, समझे। तैसे का स्थूल तत्व काट सकलन है। अब देख जोन प्रेम बैठा बा अभी कहाँ काट सकल तलवार से। राम जी भाई गणेश भैया हाँ मेरा शरीर को काट दे भले, लेकिन अब प्रेम की कहाँ काट ले, कहाँ काट पे ये तो गजरथ तुर गची कार कठोरा गर्ज ही मनहु बलाहक गोरा। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिघाड़ ऐसा लगता है कि मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे। नहीं जब धर्म के रास्ते बताओ तो ये फिट फिट लगवा करे ने तो कुल लगिए चिल्लाए हम सावन के महीना में सम्मान के प्रति मैं जो ना मंदिर बन के देना मैं जाए नहीं दे नहीं कुछ। अरे प्रति का अपने पति के चरण के अपने चित्त में रखो, नहीं के पूजा करो, नहीं के सेवा करो, वह धर्म बा की करिए ना बतावे है। जिसे अगर हर मंदिर शिव जी का श्रावण में बंद कर दिया जाए पूरे विश्व में ड्रामा करते हैं गांजा पिया उछल दी है जो नो कहाँ जाले सुन बैजनाथ चला दी है। ये सब ड्रामा की जरूरत नहीं बाबा। देखा थोड़ा डांट पड़ा था घबराया मत तुमने। और जेके देखे ना रामचंद्र भाई सोचा था खाली अपने द्वारे पर रखे शंकर जी का मंदिर बनवा दे तो हम मुक्त हो जाओ। शंकर जी ऐसे नहीं पटे वाला है। शंकर जी बोले सत्य ही उनका चरण हो, अगर चरण पकड़े को तो पहले सत्य के धारण करो, अगर सत्य धारण नहीं बा याने श्रद्धा नहीं बा तो शंकर जी के मंदिर में जाए के सही पूछे तो कोई का अधिकार नहीं बा। बटले बा काहे के दिखाओ तब आए कहाँ गए सरजू भाई दिखाओ तब आए कि 65 साल से रामायण पढ़ते और अभी मन जो ना घरे में लगा बा कुछ नहीं। अगर दिखावत है वो चरित्र नहीं बा जने पक्का पक्का हुआ चाहिए ने कौन सरजू भाई। हाँ कह के रामायण अगर पढ़ता है सब देखा तो सबके नहीं लगता था कि इन भगत आदमी है। हाँ और अंदर से जो ना कि संसार मन में चलता तो कितवा का भगत है दिखावा वाला बगुला भक्ति से काम ना हो हंस वाला चाहिए। ये ने आज बगुला भक्ति से पूरा धरती पटा बा भाई। देखो डांटत के डांटत नहीं है नहीं आशीर्वाद देते हैं ये आशीर्वाद हो और क्रोध करिए तो वो लगी जो है कप कपाए पूरा ब्रह्मांड है। जय भाई यहाँ से आशीर्वाद दिले तब वो लोगन के बड़ा खराब लगला जने कोनो बात नहीं आज चरणामृत भी मिली ठीक। तो कपिलंगूर विपुल नभ छाए मनहु इंद्र धनु उए सुहाए औठई धूरी मानहु जल धारा
पान बूंद भय दृष्टि अपारा। बानरों की बहुत से पूछे आकाश में छाई हुई, मतलब बानर उड़ रहे हैं जाने। इसे देखो आप लोग जब सोवल है तो वो जोन भी विचार होता, वो हवा में होता नहीं तो बैराग के जो नीचे जो व्यवस्था बा बानर के पूछे हो ने बानर के हनुमान जी के, बानर के नहीं हनुमान जी के पूछे बा नहीं तो वह ने हवा में दखल लगा था। यह सब ने शरीर धारण करके आवल इन धरती पर ये थे। और रवि रवि शंकर के जो शरीर मिला वो जीवात्मा के ऊपर बाद में देखो ऐसे ही होता हुआ है। क्या कहे आज स्थिति एकदम बाकी जीवत सब सब 14 प्राणी बा न सब जीते हुए भी मुर्दा के समान राम जी भाई बहन सब देखे अच्छा चीज मकावा था संसार में सब तो ये लालचे कपट ने राजा है तो अभी कहेगा एक काम करो तो इतना धन मिलेगा। ये कुल ड्रामा कुल लालचे के पीछे तो सब दौड़ता है। तो ऐसे वो पूछे शोभा दे रही है जैसे मानो सुंदर इंद्र धनुष उदय हुए। और धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। माने अब बिल्कुल जो है बाण चल रहे हैं तो बाण ऐसे लग रहे हैं जैसे जल की धारा। बाण चलिए ध्यान ऐसे कर बताए ऐसे ही जाइने तो इतने बाण चल रहे हैं जैसे लग रहा है कि जल की धारा चल रही। देखा जो ना हिसाब से अब समझ में आवा था बात वो हिसाब से शुरू हो तो बड़ा भयंकर युद्ध न हुई पूरे धरती पर है ना। झूठे के खाली नाटक करता है मैं कोई के शांति नहीं बाजा ने जाता है मंदिर से नहीं बस जाता है मंदिर में पूजा करे चप्पल चुरा के चल देता है। अरे बाबा ऐसे ही नौ कलन मंदिर में एक बार जाने ते चप्पल कोई चुरा दे वही भी अच्छे वाले विश्वनाथ जी से ते वो समय वो पहने रहे सूट बूट जाने और देखें तो चप्पल नहीं तो नंगे पैर अपन चल दे कोई कहता कितना बेवकूफ लड़का बा जो है पहने बा सूट घोड़े में को चप्पल क्या करवे तो कोई कैस की मर्दवा से तहार कोई पहन लेगा तो हूँ कोई के पहन लेते ही ड्रामा करवे क्या है कि जेकर हिराई ओके दुख ना हुई तो बात की क्या है आगे बढ़ी बे चलो लंका से के खरीद दो ये ने और बटलो बा हॉस्टल में सब रहा। तो बताओ फिर वो पूजा का क्या मतलब बा जब चप्पल चुरावा था जाके से जय भाई के कम मत समझो एन जो उन्होंने एक बार गहन और इन्हें पता रहा कि भैया वहाँ 2 रुपया लग जाला चप्पल रखे के माने जब चप्पल रखे जीबे काउंटर पे तो वो जो उन्होंने एक टोकन दे और 2 रुपया देन अपन क्या करें ने कि घर में से खेत ताला लेके गए और मंदिर के सामने दोनों चप्पल रख के उसमें ताला से बांध दे और आए तो देखेंगे तालो गए चप्पल हो अगर चप्पल के टूटे बंदी ताला बांध दे पे तो चोरी ना हो या बुद्धि लोग लगावत है ना। चले वो ऐसे ही अबे वो जहाँ देखो तही नहीं तो एक जगह आके विराम दिया जाए। तो दुहु दिशि पर्वत करही प्रहारा वज्रपात जनु बारही बारा और रघुपति को पी बान झरी लाई
घायल भय निसी चर समुदाई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते। देखो ये कुछ बात, लेकिन ये कुछ पर्वत भाई टूटे वाला नहीं बा, नहीं जय भगवान के सच्चो शरणागत हो गलू कहा टूटी नहीं महाराज। लेकिन देखा आप लोग खुद अनुभव करता है कि लोभ कपट झूठ धोखा ही कुल नहीं जाता जाता महाराज जाता, तो ये निश्चित भाई कमजोर बा। और यार शरण में आवा के खाली देरी बा गणेश जी। तो मानो बारंबार जब पर्वत से पर्वत टकरा रहे हैं तो लग रहा है कि वज्रपात हो रहा। श्री राम जी क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दिए जिससे राक्षसों की सेना घायल हो। अब देख ले अब यह बा आप लोगों के सामने, नहीं इतना बाण छूटा बा कि देखे ना घायल होगा बा कि नहीं देख ले एकदम अनुभव में आ जाए था। ठीक है कोई बात नहीं। अब कहे कि अब तुलसी का कहते हैं जैसी होए भाव तब्यता तैसे ही मिले है सहाय। जैसन होनी होला वैसन साथ वो मिल जाला अपने आप। देखो अब लगत नहीं बा कि एक भयंकर व्यवस्था चलने वाला बा। कैसे ही सुन के मटिया जी में फिर वह लौकी है। नहीं बाद में उस टाइम में वो बनावट के समय ऐसे ही भाव ऐले रहा। क्या नौटक की कर रहे हैं, ले दूध का दूध पानी के पानी एक के रूप दे पहले ले या पकड़ो ऐसे ही बा। या धरती पर कोई काटे है के नहीं मेरा काटे नहीं क्रोध करे से के शांति मिल जाई केहू को न मिले महाराज। तो लागत बान वीर ची करही अघूर्मी घूर्मी जह तह मही परही अस्त्र वही शैल जनु निर्झर भारी असोनित सरी का दर भयकारी। बाण लगते ही वीर चिक्कार उठते हैं नहीं। अब देखे कुल बोलत तो नहीं बहन लेकिन वो अंदर से जो हो ये माया जगत के संसार में नहीं हुआ होता। अब माया जगत में जो भक्ति भाव के करीब में रहता वो तो शांति बा, लेकिन अब जे एकदम मैं वो बा नास्तिक भाव वाला तो कहीं कहाँ अच्छा लगी नहीं कहाँ। तो चक्कर खा खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है कि मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। अब यहाँ देखो ये तो खैर प्रत्यक्ष रूप में होता लेकिन यहाँ का बा वह मोह ममता वाला तो के इतना जो ना कि खून पसीना एक करके पढ़ाए लिखाए इतना ऊपर बनाए आज तू हम ही के जो ना है माई बहू के कौन बबुआ बा माई बहू के सेवा जो ना सब सिखावा लू जो ना कि कैसे करो था। यह कुल अपन जो ना खून पसीना वाली बात करिए कुछ नहीं सब जने अपने लालच से जो है सब करे बहन। जीव का कल्याण आखिर के कोने जन्म में हुई ये ने तो का दर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी दो कुल दल रथ रेत चक्र
अबर्त बहुत भयावनी जल जंतु गज पद चर तुरग खर विविध बाहन को गने सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने डरपोकों को डर उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। जबकि यहाँ स्थिति वैसे सही बा, अंदर से अब धीरे धीरे भाव आवे लगा कि अब सब वही प्रलय कही एक बार वो तब जो है इसमें सुधरिए ने, लेकिन डरपोक रही है, अरे वहां इतने लोग मर गए, यहाँ इतने लोग मर गए, क्या मर गए, क्या करवे राक्षस लोग जी के धरती पर। भगवान के जब निष्काम भजन नहीं करेंगे वाह तो क्या करवे जी के तोरे सबके इसमें। तो जो डरपोक होते हैं उन्हीं को ये सब और दोनों दल उसके दोनों किनारे, ऐसा नहीं कि बानरों को चोट नहीं लगी है, ठीक ने, और इतना आप देखो यहां समझो बात बड़ा भयंकर बा, गंगा जी के तरह लगल चले और उनमें जो रथ है खून की धारा बह रही है, रथ रेत के समान दिख रहे हैं, जैसे देख ले रेता पड़ा बा ने, तो खून के इतना प्रचंड धारा बा कि उनमें रथ जो है रेता समान और पहिए जो है रथ के वो भंवर के समान दिख रहे हैं। भयंकर समझ में आता ना, ऐसा रुधिर ऐसा एक ठो दया नदी वहां बा भुवनेश्वर से आगे जब चलवे पूरी की ओर तो वहां एक ठो राक्षस था जो है कौन था जो है वो काफी लाखों लोगों को कटवा दिया था। वृक्षण के दिमागों में बात तो नहीं बा बताई है जो है बना, तो वहां भी उस नदी में पूरा रक्त की धारा बह रही थी, कहे कि सब विश्व विजय करे चाहता नहीं थी मार काट करके ने, कहे आज बड़ा नहीं ना ठीक ने। कौन हुआ सम्राट अशोक उशोक रहा ना वही कराया था, वही सब वही खून की नदी बहा दिया था, ठीक। और वह नदी बहुत भयावनी बह रही है, हाथी पैदल घोड़े गधे और अनेकों सवारियां जिसकी गिनती कौन करे, वही नदी के जल जंतु हैं, वे सब बह रहे हैं, सोच ले तो निश्चित उन पूरा नदी के रूप बने। बाण शक्ति और तोमर सर्प है, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए, माने ये सब भी उस नदी में बह रहे, बैराग रूपी ढाल सबसे मस्त बने नहीं, एक पर कितनों प्रहार करवे क्या करवे जगह कोनो रागे नहीं बा, शरीरियों से राग नहीं बा, ई भाव पवित्र एके कोई नहीं काट सकत राम की लौंग भाई। तो वीर परही जनु तीर तरु अमजा बहु बह फेर अकादर देखी डरही तहां अशुभटन के मन चेन जने। तो वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं
जैसे मानो नदी के दोनों किनारे के वृक्ष गिर रहे और बहुत सी मज्जा बह रही है। मज्जा वह जो मस्तिष्क में रहला वसा सफेद सफेद वो भी बह रहे हैं रक्त के खून के धारा में। कपड़ो फूटा बने वही फेन की तरह दिख रहा। डरपोक जहां इसे देखकर डरते हैं वही उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता। तो अब सभी आप लोग बिल्कुल उत्तम योद्धा बने यानी उत्तम डरपोक बनवे ठीक ने। और रही बात कि अब युद्ध तो चली और एक दिन न चली वो 5-6 दिन चली है भाई नहीं। हाँ तो बढ़िया बा उत्तम योद्धा बने के व्यवस्था आगे। तो उत्तम योद्धा बने यह बा कि कुछ भी मार काट ये सब धरती भूकंप आ रहा है इतने लोग मर रहे हैं लेकिन थोड़ा भी दुख नहीं होना क्योंकि तो राक्षसों को खत्म होना ही यह ना तब लोग सही रास्ते की ओर बढ़िए। तो इसी बाणी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। युवराज अंगद जी की जय। आदर्श सेवक लक्ष्मण जी की जय। आहारा